अब चैप्टर 21 में हम देखते हैं कि जो सर थॉमस होते हैं और फैनी प्राइस होती है वो कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं। तभी फैनी प्राइस अचानक से पूछ लेती है ट्रेड के बारे में सर थॉमस बर्ट्रम से, पर वहां पर हो जाते हैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अब नरेटर जो है इसको डिस्क्राइब करती है बाय सेइंग इट एज डेड साइलेंस, ठीक है। तो ये एक चैप्टर 21 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज बहुत सारे थिंकर्स ने बुक्स लिखी है, डिबेट्स किए हैं कि जेन ऑस्टिन आखिर में कहना क्या चाह रही थी चैप्टर 21 जब वो डेड साइलेंस का जिक्र करती है। अब बहुत ही बड़े थिंकर है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक जिनका नाम है एडवर्ड सईद। अब एडवर्ड सईद ने बुक लिखी है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, जिसमें उन्होंने एडवर्ड सईद ने रीडिंग की है जेन ऑस्टिन की मैंसफील्ड पार्क। अब एडवर्ड सईद के अकॉर्डिंग जो उन्होंने 1993 में बुक लिखी थी वो कहना चाह रहे हैं कि जो जेन ऑस्टिन है वो अपने रीडर्स को हिंट देना चाहती थी बाय डेड साइलेंस कि जितना भी पैसा बॉटम्स ने कमाया है ऐशो आराम में जी रहे हैं वो स्लेव ट्रेड की वजह से है। अब इसकी जो बुक है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म जो बुक है, अब इसमें जो मेन थीम है वो है कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म। तो अभी एडवर्ड सईद के अकॉर्डिंग ऑस्टिन ज्यादा इस बारे में बात नहीं करती, पर वो कहीं ना कहीं रीडर्स जो मैंसफील्ड पार्क के रीडर्स है वो चाहती है कि रीडर्स अज्यूम करे कि जितनी भी बर्ट्रम फैमिली की वेल्थ है, प्रॉफिट्स है, वो हुई है बाय स्लेव ट्रेड की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज एडवर्ड सईद ने कही थी अपनी बुक कल्चर एंड इंपीरियलिज्म में। अब चैप्टर 21 खत्म होते होते रीडर्स को पता चलता है कि मारिया बॉटरम और जेम्स रश्वत की शादी हो जाती है और मारिया और जेम्स रश्वत को कंपनी देने के लिए जूलिया बॉटरम भी उसके साथ चली जाती है। अच्छा, चैप्टर 22 में हम देखेंगे कि फैनी प्राइस और मैरी क्रॉफर्ड है वो दोनों एक दूसरे से कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं। तभी अचानक से मैरी क्रॉफर्ड पूछती है आपके व्यूज क्या है एडमंड नाम के रिलेटेड। तो जो फैनी प्राइस है वो बोलती है नाम वाकई एडमंड बहुत अच्छा है क्योंकि वो एक नेम है हीरोइज्म का, नेम्स है किंग्स प्रिंसेस नाइट्स का, वो एक स्पिरिट है शिवलरी वार्म अफेक्शंस का। तो ये फैनी प्राइस बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलती है एडमंड के नाम को लेकर। तभी मैरी क्रॉफर्ड बोलती है ना मैं तुमसे डिसएग्री करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है नाम अच्छा है बट फिर भी अगर उसमें लॉर्ड एडमंड या सर एडमंड होता तो वो ज्यादा बेटर लगता। जो ये एडमंड है वो एक नॉर्मल सा ही नाम है जैसे मिस्टर जॉन हो या मिस्टर थॉमस हो। अब मैंसफील्ड पार्क चैप्टर 22 में बहुत ब्यूटीफुल कोट है जो कि मैरी क्रॉफर्ड बोलती है दैट आई मीन टू बी रिच टू लिमिट और टू फील एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, अ लार्ज इनकम इज द बेस्ट रेसिपी फॉर हैप्पीनेस आई हैव एवर हर्ड ऑफ, इट सर्टेनली मे सिक्योर ऑल द मार्टल एंड टर्की पार्ट ऑफ इट। अब ये जो मैरी क्रॉफर्ड बोलती है इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों बोलती है, ये पहले तो ये जानबूझकर ये लाइन बोलती है क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी सी डिस्टेंस में एडमिन इसे सुन रहा है और मैरी क्रॉफर्ड नहीं चाहती कि जो करियर एडमिन ने चूज किया है क्लर्जीमैन का वो चूज करे बिकॉज उसकी ये इच्छा है कि वो ज्यादा करके लॉ में जाए ताकि उसमें ज्यादा इनकम है। तो इसलिए वो एडमंड की जो चॉइस है करियर चॉइस उसको क्रिटिसाइज करते हुए ये बात वो बोल रही है।
और वो ये बात इसलिए बोल रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही है, जब मिसेस ग्रांट है वो छोटी छोटी बातों में परेशान हो रही होती है, उसकी डिटेल जानने की कोशिश कर रही होती है, तब भी ये मैरी क्रॉफर्ड बोलती है ये लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने आंसर में ये लाइन ज़रूर इंकल्केट करना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैंसफील्ड चैप्टर 23 में हम देखते हैं कि लेडी बर्ट्रम जो होती है उसे पता चलता है कि मिसेस ग्रांट ने फैनी प्राइस को इनवाइट किया है डिनर के लिए। तो लेडी बर्ट्रम बोलती है कि मुझे लगता है कि फैनी को इच्छा नहीं है जाने की। तब एडमिन बोलता है, जिस तरह से उसे बोल रहे हो वो वैसे ही मना कर देगी, मैं चाहता हूँ कि फैनी भी हमारे साथ डिनर के लिए चले। तब लेडी बर्ट्रम बोलती है कि तुम अपने पापा सर थॉमस बर्ट्रम से पूछ लो, अगर वो हाँ कहते हैं तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सो सर थॉमस मान जाते हैं फैनी को डिनर पे भेजने के लिए मिसेस ग्रांट के वहाँ पर। तो सर थॉमस का एक बहुत ही अच्छा जेस्चर होता है कि वो क्या करते हैं, वो फैनी को पूछते हैं कि तुम कैरेज में जाना चाहोगी, और जाना चाहोगी तो किस समय पे मैं कैरेज को बुलाऊँ, हॉर्स कैरेज को। तो मिसेस नॉरिस गुस्से से लाल हो जाती है और मिसेस नॉरिस बोलती है कि फैनी प्राइस को क्या ज़रूरत है कैरिएज की, उसे तो डिनर के लिए भी इनवाइट कर लिया वो ही बड़ी बात है। और वो गुस्से से बोलती है कि फैनी कैन वॉक। तो सर थॉमस बोलते हैं कि ये समय पे वो चल के कहाँ जाएगी बेचारी, भले कैरेज में वो चली जाए। और इस तरह से हम देखते हैं कि सर थॉमस बहुत काइंडली फैनी प्राइस के लिए हॉर्स कैरेज का अरेंजमेंट करते हैं। अब चैप्टर 23 में हम देखते हैं कि फैनी प्राइस जो है वो एक अच्छे से गाउन में रेडी हो जाती है, जो कि दिया गया है बाय सर थॉमस बर्ट्रम, और जब मारिया की शादी होती है। अब फैनी प्राइस और एडमिन बर्ट्रम दोनों ही पहुंच जाते हैं मिसेस ग्रांट के वहाँ डिनर पर। तभी वहाँ पर हेनरी क्रॉफर्ड भी होता है। तो हेनरी क्रॉफर्ड बोलता है कि जो रश्वत और मारिया की जोड़ी है वो ऐसी है कि लंगूर के हाथ में अंगूर। रश्वत लायक नहीं है मारिया के, बट उसके लक अच्छे थे इसलिए मारिया उसे मिल गई। जब ये सब बातें हेनरी क्रॉफर्ड करता होता है तो फैनी प्राइस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जो वो बकवास कर रहा है वो। तो हेनरी को वो नापसंद करने लगती है। अब चैप्टर 24 में हम देखते हैं कि मैरी क्रॉफर्ड और हेनरी क्रॉफर्ड दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तब हेनरी क्रॉफर्ड बोलता है कि वो इम्प्रेस करना चाहता है फैनी को, इसलिए वो विलियम जो कि फैनी प्राइस का बड़ा भाई है विलियम प्राइस, उसको इनवाइट करना चाहता है राइडिंग के लिए। तभी मैरी बोलती है कि करके तुम उसको क्यों इम्प्रेस करना चाहती हो, वो तो वैसे भी लोअर रैंक में है। तब हेनरी क्रॉफर्ड बोलता है कि मैं फैनी प्राइस के साथ फ्लर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब उसके दिल में मुझे एक स्मॉल होल बनाना है। और ये सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से बताया है एक कोट में कि हेनरी क्रॉफर्ड बोलता है, बट आई कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विथ फैनी प्राइस विदाउट मेकिंग स्मॉल होल इन फैनी प्राइस हार्ट। तभी मैरी बोलती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी उसके साथ फ्लर्ट करने की, तो तुमने ऑलरेडी वो उसकी दो बहनों के साथ जो कि है मारिया बर्ट्रम और जूलिया बर्ट्रम के साथ फ्लर्ट कर चुके, तुम्हें उसे सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। तब हेनरी क्रॉफर्ड बोलता है कि अब जो फैनी प्राइस जो पहले वाली फैनी प्राइस थी वो नहीं रही और वो काफ़ी खूबसूरत बन चुकी है। और हेनरी बोलता है कि मैं आज तक अभी ऐसी लड़की से नहीं मिला जो इतनी ग्रेव लुक देती है मुझे। सो वो एक कोट बोलता है, नेवर मेट विद अ गर्ल हु लुक्स सो ग्रेव ऑन मी, ये कहता है वो। चैप्टर 25 में हम देखते हैं कि सब लोग पार्सोनेज में होते हैं, और तभी एडमिन बर्ट्रम शॉल उठाता है फैनी प्राइस को उड़ाने के लिए, पर
अनलकीली वो जो चादर है वो शॉल जो है वो हेनरी क्रॉफर्ड उठा लेता है और फैनी प्राइस को उड़ा लेता है। तो फैनी प्राइस थोड़ी सी नाराज सी हो जाती है कि जो एडमिन को करना चाहिए था वो हेनरी क्रॉफर्ड ने कर दिया। अब चैप्टर 26 में हम देखते हैं कि विलियम प्राइस जाने से पहले सर थॉमस एक बॉल डांस डिसाइड करते हैं कि एक बॉल डिसाइड करते हैं कि विलियम जाए उसके पहले थोड़ा सा वो समय बिता ले मैंसफील्ड पार्क पर। मिसेस नॉरिस तो ऑब्जेक्ट करती है बट फिर भी थॉमस बर्ट्रम बोलते हैं कि नहीं हम बॉल ज़रूर रखेंगे। अब विलियम प्राइस अपनी बहन फैनी प्राइस के लिए क्रॉस लाया है गिफ्ट पे जो कि वो रिबन के साथ पहन सकती है क्योंकि विलियम प्राइस अभी अफोर्ड नहीं कर सकता था गोल्ड चेन लाना। तो अब जो बॉल से पहले जो सर थॉमस बर्ट्रम ने बॉल रखा है उसके पहले फैनी प्राइस जो है वो मिलने जाती है मैरी क्रॉफर्ड को पार्सोनेज में। वो उसकी एडवाइस लेना चाहती है कि क्या ड्रेसेस पहने और कैसे किस तरह से वो रेडी हो। उसे कुछ एडवाइस चाहिए थी ड्रेसेस के रिलेटेड तो इसलिए फैनी प्राइस जाती है मैरी क्रॉफर्ड के पास ड्रेसेस की एडवाइस लेने। तब मैरी क्रॉफर्ड क्या कहती है कि विलियम प्राइस ने तुम्हें बहुत अच्छा क्रॉस गिफ्ट किया है तो उसमें पहनने के लिए जो चेन है वो तुम इसमें से कोई भी चेन सेलेक्ट कर लो, जो भी तुम्हें पसंद आया वो एज अ गिफ्ट तुम्हें रख लो। फैनी प्राइस बार बार मना करती है बट फिर भी मैरी क्रॉफर्ड उसे कहती है प्लीज़ ले लो, मैं चाहती हूँ कि तुम एक चेन ले लो। तो फैनी प्राइस एक चेन सिलेक्ट करती है ये सोच कर कि ये सबसे सस्ता होगा। बट मैं आपको बता दूँ कि मैरी क्रॉफर्ड फैनी प्राइस को बताती है कि जो चेन उसने सिलेक्ट किया है वो हेनरी क्रॉफर्ड ने मैरी क्रॉफर्ड को गिफ्ट दिया था। जब फैनी प्राइस को ये बात पता चलती है तो वो एकदम हेजिटेट होने लगती है कि वो कैसे ले सकती है, भाई के बहन को द्वारा गिफ्ट दिया गया है वो कैसे ले सकती है। तो ये सोच के फैनी प्राइस मना करती है बट मैरी क्रॉफर्ड उसे कहती है कि ऐसे दोस्त ले लो और फिर फैनी प्राइस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो गिफ्ट ले लेती है। अच्छा अब फैनी प्राइस जो है वो मैंसफील्ड पार्क आ जाती है और तभी एडमिन उसको सरप्राइजिंगली एक प्लेन गोल्ड चेन देता है। तब फैनी प्राइस बताती है कि वो मैरी क्रॉफर्ड से मिलने गई थी और उसने मुझे नेकलेस दे दिया, क्या तुम ऐसा कर सकते हो जो नेकलेस मैं लेके आई जिसे मैं मना नहीं कर पाई क्या तुम उसे रिटर्न कर सकते हो। तो एडमंड उसे बोलता है कि मैरी क्रॉफर्ड को ये बहुत बुरा लगेगा कि तुमने जो गिफ्ट लिया वो मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ और ये बिल्कुल फेयर नहीं है फैनी। तो फैनी बोलती है कि मुझे रिटर्न तो नहीं करना पर उसने मैरी क्रॉफर्ड को उसके भाई हेनरी क्रॉफर्ड ने दिया है और ये फेयर नहीं होगा कि मैं उसका जो उसके भाई ने गिफ्ट दिया वो मैं रख लूँ। तो एडमिन बोलता है उसे समझाते हुए कहता है कि ये जो गोल्ड चेन है वो मेरे से बेहतर है तो तुम बॉल रूम में यही पहन के आओ। तो फैनी प्राइस को लगता है फैनी प्राइस को एडमिन ये समझाता है। अब जो गिफ्ट मैरी क्रॉफर्ड ने दिया था उसे चेन वो किसी तरह से विलियम के क्रॉस में फिट नहीं आ रहा था। तो फैनी प्राइस एक तरीके से बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके पास एक बहाना है अपने दोनों फेवरेट्स एडमिन बर्ट्रम और उसका भाई विलियम प्राइस का गिफ्ट पहनने के लिए उसके पास बहाना मिल गया है कि मैरी क्रॉफर्ड का चेन नहीं आ रहा होता है फिट और वो विलियम प्राइस के द्वारा दिया गया क्रॉस और एडमिन बर्ट्रम के द्वारा दिया गया चेन वो सुकून के साथ पहन सकती है। अब चैप्टर 28 में हम देखते रहे होते हैं कि फैनी प्राइस बहुत खूबसूरत लग रही होती है जब वो बॉल रूम डांस के लिए रेडी हो जाती है। फैनी प्राइस ने वही गाउन पहना है जो सर थॉमस ने उसे गिफ्ट किया है। अब
सर थॉमस बड़े प्राउड होते हैं अपने नीस को इस तरह खूबसूरती से रेडी होते हुए देखकर। तभी जो उसका फ्रेंड है एडमिन बर्ट्रम, कजिन ऑफ फ्रेंड एडमिन बर्ट्रम है, वो उसको डांस के लिए पूछता है और एडमिन बर्ट्रम ऑफ एंटरप्राइज डांस कर रहे होते हैं। एडमिन को कोई फॉर्मेलिटी मेंटेन नहीं करनी पड़ती है जब वो एंटरप्राइज के साथ डांस करता है, बल्कि जब एडमिन मैरी क्रॉफर्ड के साथ डांस करता है तब मैरी उसे बार बार डिसकरेज कर रही होती है। इससे एडमिन बहुत निराश हो जाता है, इरिटेट हो जाता है और ख़त्म बॉलरूम ख़त्म होते होते 3 बज जाते हैं और नरेटर हमें बता रही होती है कि हेनरी क्रॉफर्ड तो अब तक सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है फैनी प्राइस को साथ फ्लोट करने में, बट अभी वो जेन्युइनली फैनी प्राइस के लिए फीलिंग्स आ चुकी है। अब चैप्टर 29 में हम देखते हैं कि बॉल ख़त्म हो चुका है, सब लोग ने ब्रेकफास्ट करके सब निकल गए हैं, विलियम निकल गया है, हेनरी क्रॉफर्ड मैरी क्रॉफर्ड सब निकल चुके हैं, एडमिन बर्ट्रम भी ऑर्डर्स लेने के लिए टाउन निकल गए हैं और हम देखते हैं कि फैनी प्राइस बड़ी मिस कर रही होती है विलियम और एडमिन दोनों को। तब जो लेडी बर्ट्रम है वो उसे कहती है कि प्लीज़ कार्ड्स लेकर आओ और हम क्रिबेज करके गेम है वो खेलते हैं, और ऐसे करके दिन निकल जाता है। थोड़े दिनों बाद लेटर आता है एडमिन से कि वे और थोड़े दिन रुकने वाला है। तब लेडी बर्ट्रम सोचती है कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हम लोग ने फैनी को पॉट्समाउथ से मैंसफील्ड पार्क बुला लिया, क्योंकि जब अब कोई नहीं है, मैरी क्रॉफर्ड नहीं है, हेनरी मारिया जूलिया कोई नहीं है, तब फैनी प्राइस उनका सहारा बन चुकी है। अब हम चैप्टर 30 में देखते हैं कि हेनरी क्रॉफर्ड और मैरी क्रॉफर्ड दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तब हेनरी मैरी को बताता है कि मैं अपना मन बना चुका हूँ फैनी प्राइस से शादी कर कर। तो मैरी बोलती है वो बहुत लकी है फैनी प्राइस कि उसे तुम जैसा लड़का मिला। तब हेनरी बोला हाँ वैसे तो फैनी कभी ना नहीं बोल सकती मुझे, क्योंकि वो एक डिपेंडेंट हेल्पलेस फ्रेंडलेस निग्लेक्टेड फॉरगेटन लड़की है। तो मैरी बोलती है नहीं तुम्हें गलत लगता है, वो फ्रेंडलेस तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसका कज़िन एडमिन हमेशा उसके साथ होता है। तब हेनरी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हैप्पीनेस कम्फर्ट ऑनर डिग्निटी कौन दे सकता है फैनी प्राइस को वर्ल्ड में मेरे सिवाय, सिर्फ मैं ही हूँ जो दे सकता है। और ये कॉन्वर्सेशन एंड हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर 30 का एंड।